हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पवन एक्सपी और मैं हूं पवन तिवारी। 5G 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 आ गया 5G और हर जगह तो मिल भी नहीं रहा। तो आज हम लोग कंपेरिजन करेंगे कि 5G और फाइबर में क्या डिफरेंस है। क्या 5G जो है फाइबर को रिप्लेस करेगा या फिर फाइबर जो है अपनी जगह पर टिका हुआ रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि 5G क्या है। 5G फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G आया और अब 5G आया। कई देशों में 6G भी आ गया है, सब लोग टेस्ट कर रहे हैं, चल भी रहा है। हमारे यहाँ तो इतना लेट 5G आया है, वो भी अभी खाली कुछ 8 सिटी में अवेलेबल है खाली, वो भी हर एरिया में नहीं है। उन सिटी में भी हर एरिया में अवेलेबल नहीं है और बाकी पूरे देश में आने में तो 3 साल का टाइम बता रहे हैं। 1 साल में मेजर जो सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी जितनी भी सिटीज़ हैं, सब जगह 1 साल के अंदर आ जाएगा और उसके बाद फिर 2-3 साल लगेंगे सारे गाँव में हर जगह पहुँचने। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं कंपेरिजन करना कि 5G और फाइबर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं 5G की। तो 5G में आप सभी को जो लिमिट है स्पीड की, वो 20 Gbps तक की है। वो भी आपको यानी आम आदमी को नहीं मिलेगा। आम आदमी को 200-300 Mbps मिल जाए वही बहुत है, क्योंकि 4G में ज़्यादा से ज़्यादा 100 Mbps तक की स्पीड आ रही थी, वो भी 4G+ होने के बाद। यानी कैरियर एग्रीगेशन, दो बैंड मिल के एक होते थे तब जाके हम लोगों को स्पीड जो है वो मिलती थी। अगर आप टावर के पास भी चले जाएंगे तो टावर के पास भी आपको 50-60 Mbps से ज़्यादा स्पीड नहीं मिलती है, वो भी हर जगह हर एरिया में नहीं, कहीं कहीं पे। 5G में दावा किया जा रहा है कि 2-2.5 Gbps तक की स्पीड मिलेगी, लेकिन बहुत सारे स्पीड टेस्ट किए सब लोगों ने, कहीं पे भी दिख रहा है 400 Mbps, कहीं पे 200 Mbps, कहीं पे 700-800, उससे ज़्यादा कहीं पे नहीं दिख रहा है। वो भी अभी टेस्टिंग में, तब और जब लॉन्च हो जाएगा, यूजर बढ़ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, कोई नहीं जानता है। रही बात 20 Gbps तक की, जो कि 5G में दावा किया जा रहा है, तो वो किसी भी कस्टमर को यानी आम आदमी को नहीं मिलेगा। वो सिर्फ इंटरप्राइजेस के लिए है, जो कि 5G के 4G के सबके बैंड अलग अलग होते हैं। तो कस्टमर के लिए, आम आदमी के लिए, यानी जो हम लोग हैं जैसे यूज करने वाले, तो ग्राहकों को खाली हम लोगों को 1 Gbps के अंदर ही स्पीड मिलेगी, जिसमें हम लोगों को कुछ बैंड्स मिल रहे हैं, जो कि एयरटेल 1, बैंड 1, बैंड 3, बैंड 8, बैंड 41 और बैंड 78 और 79 पे काम कर रहा है। और जियो जो है बैंड 28 यानी 700 MHz, बैंड 5 और बैंड 78 और 79 पे काम कर रहा है। इन सब की स्पीड जो है 1 Gbps के ऊपर नहीं जाने वाली है, 1 Gbps के नीचे ही रहेगी। 100 Mbps से लेके 1 Gbps तक की स्पीड आप सभी को मिलेगी, वो भी आप टावर के नज़दीक रहेंगे तब। नहीं तो आप सभी को जैसे अभी 4G में टावर से आप जितना दूर होते हैं उतना स्पीड कम होता चला जाता है, वैसे ही 5G में स्पीड कम होता चला जाएगा। अगर आप टावर के नज़दीक रहेंगे 500 मीटर 600 मीटर तक, तो आप सभी को मान लीजिए कि 300-400 Mbps तक की स्पीड मिल सकती है। वो भी बैंड कैरियर एग्रीगेशन होंगे, 2 बैंड मिल के 3 बैंड मिल के होंगे तभी मिलेगा। और अगर आप 1 किलोमीटर दूर हो गए टावर से तो आप सब 100 Mbps पे आ जाएंगे। डाउनलोडिंग, और वही बात अपलोडिंग की, आप टावर के कितने भी पास होंगे आप सभी को 100 Mbps के ऊपर अपलोडिंग नहीं मिलेगी। जैसा कि अभी हम लोग एग्जांपल भी देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड किए हैं स्पीड टेस्ट का 5G का, तो वहाँ पे 40 Mbps 50 Mbps के ऊपर अपलोडिंग नहीं जा रहा है। दूसरे देशों में भी मैंने देखा, दूसरे देशों में स्पीड टेस्ट बहुत सारे लोगों ने किया है, वहाँ पे भी जो अपलोडिंग की स्पीड है 100 Mbps 150 Mbps से ऊपर नहीं जा रही है। और जहाँ डाउनलोडिंग 2.5-3 Gbps की मिल रही है वहाँ, अब 20 Gbps वाली बात आती है, तो 20 Gbps की स्पीड N258 यानी 26 GHz का जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हमको 20 Gbps तक की स्पीड मिल सकती है। वो भी जब कोई कंपनी प्रोवाइड करेगी तो मोबाइल में तो ये आने वाला नहीं है। ये सिर्फ बताया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके ऑफिस हैं या फिर उनके फैक्ट्री वगैरह हैं, तो वहाँ पे ये बैंड उनको प्राइवेट ब्रॉडबैंड के तरह दिया जाएगा और वहाँ पे ये सब चलेंगे उनके प्राइवेट काम के लिए। तो अब आ जाते हैं हम लोग फाइबर पे। तो फाइबर बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अभी जुड़ रहे हैं जो यूज करना शुरू किए हैं। तो फाइबर में हम लोगों को सबसे पहले हम स्पीड की बात करें तो हम लोगों को 100 Gbps से ऊपर तक की स्पीड मिल सकती है फाइबर। फाइबर की इतनी कैपेसिटी है, 100 Gbps तक की अभी मिल रही है और 100 Gbps के ऊपर तक की स्पीड हम लोग पा सकते हैं फाइबर में। 5G में 20 Gbps तक की स्पीड थी। फाइबर में, फाइबर के फायदे आप सभी को बताता हूँ। फाइबर में आप जो प्लान लेंगे, अगर मान लीजिए आपने 200 Mbps का प्लान ले लिया, तो 200 Mbps आपको डाउनलोडिंग और अपलोडिंग दोनों सेम मिलेगी, कोई फर्क नहीं रहेगा। हल्का फुल्का फर्क हो सकता है, जैसे 200 है तो 190 आए, 180 आए, 210 भी आ सकता है, तो हल्का फुल्का कम ज़्यादा होता है, वो कोई बात नहीं। और 5G में, जो कि मैंने बताया सभी को, डाउनलोडिंग स्पीड तो आपको चाहे जितना मिल जाएगी लेकिन अपलोडिंग स्पीड नहीं मिलेगी। और फाइबर के फायदे, फाइबर का आपका नेट कभी फ्लक्चुएट नहीं करेगा,
90% फ्लक्चुएट नहीं करेगा अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। और 5G में, 5G में तो नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क, टावर बंद हो गया, कुछ भी हो गया, आपको स्पीड कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। फाइबर में आप सब अपने यूज के हिसाब से प्लान बढ़ा सकते हैं कि हमें इतना MBPS ही चाहिए या इतना MBPS चाहिए। अभी भारत में हम सभी को 1 GBPS तक की स्पीड मिल रही है फाइबर के अंदर, और उसमें आप सभी को सबसे बढ़िया यही चीज़ है कि जैसे मैंने बताया कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इतने MBPS चाहिए। 5G में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, जो मिलेगा वही आपको लेना पड़ेगा, चाहे वो 2 MBPS मिले, चाहे 100 MBPS मिले, चाहे 1 GBPS मिले। फाइबर से अच्छा 5G में ये आपको फैसिलिटी मिलेगा कि आप कहीं भी मोबाइल में हैं तो आप सब कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं नेट अपना, और आपको स्पीड हो सकता है अच्छा भी मिले कहीं कहीं, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन फाइबर में आप सभी को बस आप जहां लगाएंगे आपका ऑफिस हो या घर, आपको वहीं पे मिलेगा। ये था आज का हमारा वीडियो 5G वर्सेस फाइबर का। आप सभी को मैं आशा करता हूँ कि जरूर पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप सभी उसमें कमेंट भी पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप सभी को ऐसे वीडियो हमेशा रेगुलर मिलते रहे देखने को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।